हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूँ सुमित कुमार नागर और आज जो हम ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं वो है कि मैं विंडोज 7 सिस्टम के अंदर अगर मेरा मान लो मैं कोई अकाउंट होता है जिसके ऊपर मैं पासवर्ड लगा के भूल जाता हूँ तो उस सिस्टम को कैसे रिकवर किया जा सकता है या उस सिस्टम से अगर कोई भी पासवर्ड है वो कैसे हटाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आप कंप्यूटर गुरु हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि कोई भी पासवर्ड रिकवर हम कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक अकाउंट बना लेता हूँ जिसके अंदर हम जाके जान सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी यूज़र होता है जिससे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर एक नया यूज़र अकाउंट बना देता हूँ। ओह सॉरी, ये मेरे वाले सिस्टम में आ गया, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ से गए कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल के बाद यूज़र, और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड और रिमूव यूज़र अकाउंट। यहाँ पे कंप्यूटर ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और एक गेस्ट अकाउंट है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक न्यू पासवर्ड बना देता हूँ। जैसे मैंने बना दिया है एक टेम्प, स्टैंडर्ड बनाना चाहूँ मैं इसको या बेशक से एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना देता हूँ। मैंने अकाउंट बना दिया है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले क्रिएट पासवर्ड कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैंने कुछ भी पासवर्ड लगा दिया, ऐसे ही मैंने कोई भी पासवर्ड जो है वो टाइप कर दिया है। सेम पासवर्ड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और पासवर्ड हिंट के अंदर कुछ भी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक यूज़र बना दिया है जिसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है। अगर मैं इसको चाहूँ तो अगर मैं अपनी स्क्रीन लॉक करता हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन लॉक करता हूँ, स्क्रीन लॉक करने के बाद मैं देख सकता हूँ टेम्प के ऊपर मैं डायरेक्ट बिना पासवर्ड डाले एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड फेल हो रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक टेम्प यूज़र बना दिया है और टेम्प यूज़र के ऊपर जो पासवर्ड है वो मेरे को याद नहीं है, अब मैं चाहता हूँ मैं पासवर्ड को मैंने मेरे को जो है हटाना है, तो वो प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें टूल डाउनलोड करना होता है जिसका नाम होता है हिरेन बूट सीडी। तो यहाँ से हिरेन बूट सीडी हमने डाउनलोड करनी है। इसकी जो खुद की वेबसाइट है hirenbootcd.org, इस साइट पर हमें जाना है। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है, और जैसे डाउनलोड में आ जाएगा आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ही आ जाता है hbcdpex64.iso, 64 बिट के सिस्टम के लिए। तो हमें यहाँ पे ये क्या करनी है, इस फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है तो इसको हम दोबारा डाउनलोड नहीं करते। फिर ये जो मेरी ISO इमेज जो हो रही है मेरे पास एक, तो ये ISO इमेज जो होगी आप उसको किसी CD/DVD में डाल सकते हैं। अगर USB बूटिंग करना चाहिए, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका पेन ड्राइव बूटेबल बना सके, तो यहाँ से इसका ios2usbcreator.exe जो है हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस डाउनलोड करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपल से प्रोसेस में आपको पेन ड्राइव लगाना है, फिर यहाँ पे ISO इमेज जो वो ब्राउज़ करनी है और उसको प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो वो पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल हो जाएगी। हमें बस इतना सा काम करना है, वो आप चाहे CD में कर लें या पेन ड्राइव में कर लें। तो बस आपने क्या करना है, फिर उसके बाद अपने सिस्टम को शट डाउन कर देना है। जैसे जो कोई भी सिस्टम आपका सिस्टम है या किसी और के सिस्टम से डाल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसको शट डाउन कर देते हैं। और शट डाउन करने के बाद जैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे SCSI ड्राइव जो है, जो मैंने ISO इमेज डाउनलोड कर रखी थी, उसको मैं उठा देता हूँ। तो ये मैं VMware के ऊपर करा रख कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप किसी के भी ऊपर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है वो जो मेरी जो ISO इमेज डाउनलोड थी उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन कर दिया। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही ये सिस्टम ऑन होगा तो मेरे पास CD/DVD के ऑप्शन के लिए मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि मैं बूट CD से बूट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूट CD बूट एक इसके CD ड्राइव में जो बूटेबल हिरेन बूट CD डाली थी, सिर्फ उतना ही काम किया। अब जैसे ही मैं इसको सिस्टम को स्टार्ट करूँगा, मुझे अपने
बायोस में जाना है। बायोस के अंदर चले गए तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे पहली प्रायोरिटी है हम इसके ऊपर सीडी रोम के ले जाते हैं, और इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, फिर सेव कर देते हैं। सेव चेंजेस कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको चाहूँ तो सेव एंड एग्जिट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मेरा ये होगा तो इसने बोला है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। अब जो होगा, जो मेरा बूटिंग प्रोसेस हो रहा है वो सारा सीडी से हो रहा है। तो जैसे ही सीडी मैंने की है तो हिरेन बूट सीडी है जो नया वर्जन है वो विंडोज़ 10 तक के पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। अब जहाँ पे जैसे मेरा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना था विंडोज 7 पर, विंडोज 7 के प्लेस पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ हिरेन बूट सीडी की स्क्रीन आ गई है। ये प्रोसेस जो है ऑन टू गो है, तो इसका मतलब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा वो अपने आप अपनी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। इसको सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं जो आपने बूटेबल मीडिया बनाया है उसके थ्रू ये डायरेक्ट रन हो रहा है। तो जो ये मेरा प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया है ये आपको थोड़ा सा कम दिख पाएगा, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को 1080p पे देखें। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम्स में चले जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हमें क्या करना है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद मैं चला गया पासवर्ड में। पासवर्ड में जाने के बाद हमें क्या करना है, लेट सॉफ्ट पासवर्ड रिकवरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ कहूँगा हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि मेरे को फाइंड करनी है विंडोज़ की प्रोडक्ट की या विंडोज़ का पासवर्ड चेंज करना है। तो हम क्या चाहते हैं, रीसेट विंडोज़ पासवर्ड, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही इसने डिटेक्ट कर लिया कि विंडोज 7 है, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम वॉल्यूम 1 है, और हम क्या चाहते हैं, रीसेट करना लोकल पासवर्ड को। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो इसने मेरे को बता दिया उसके अंदर एक टेम्प अकाउंट बना हुआ है, एक गेस्ट अकाउंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है और एक कंप्यूटर गुरु हब का है। तो हमने जो टेम्प अकाउंट बनाया था उसके ऊपर हमने पासवर्ड लगाया था, तो इसने ब्लैंक पासवर्ड सबके लिए नो लगा रहा हुआ है, यानी कि सबके ऊपर कोई ना कोई पासवर्ड लगा हुआ है। अब मैं जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो ये मैं क्या चाहता हूँ, रीसेट और अनलॉक पासवर्ड। यहाँ पे मैंने रीसेट और अनलॉक किया है, और यहाँ से अगर मैं सिंपल सा फिनिश करूँगा तो मेरा जो टेम्प अकाउंट के ऊपर जो हमने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड अब हट चुका है। अब मैं अपने सिस्टम को यहाँ से बस क्या करना है, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और जो भी आपने बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी लगाई थी उसको निकाल लेना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रीस्टार्ट करूँगा तो मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया है, मुझे सीडी डीवीडी से कोई बूट नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्ट विंडोज 7 जो है मेरी शुरू हो रही है। और इससे पहले हमने देखा था कि मैंने जो टेम्प अकाउंट बनाया था उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था। अब जैसे ही मैं उस टेम्प अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा सिस्टम जो है वो डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ से लॉग ऑफ भी करता हूँ, लॉग ऑफ करने के बाद मेरे पास दो यूज़र थे, एक कंप्यूटर गुरु हब था और एक टैम्प था। टैम्प पे हम क्लिक कर रहे थे तो मेरे पास टैम्प पे पासवर्ड आ रहा था। अब जैसे ही मैं टैम्प पे क्लिक करूँगा टैम्प के ऊपर मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं आया है और ये मेरा जो सिस्टम है वो डायरेक्ट चल पड़ा है। तो इस तरीके से विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर भी कोई किसी भी तरह का पासवर्ड लगा हुआ है तो मैं उसको क्रैक कर सकता हूँ। अगर विंडोज 10 के ऊपर भी पासवर्ड लगा हुआ है तो वो भी क्रैक हो सकता है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप जो वीडियो को सब्सक्राइब पे करें और इसको शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सकें और हेल्प कर सकें, और आप बेल का आइकन दबाना मत भूलना। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।